हेलो फ्रेंड्स, वीवी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है समर फ्लावरिंग बल्ब वाले जो प्लांट होते हैं उनके ऊपर है। तो जैसे अभी मार्च का मंथ आ गया है तो गर्मियों में जो फूल देने वाले बल्ब से ग्रो होने वाले जो प्लांट होते हैं उनको लगाने का भी समय आ गया है। तो कौन कौन से ऐसे फ्लावरिंग प्लांट हैं जो बल्ब के थ्रू ग्रो होते हैं उनको आप इस समय लगा सकते हैं, वही आपसे इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी। तो सभी के नेम आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी और क्या क्या इनके प्राइस नर्सरी पर रहते हैं, जहां आप इनको कहां से ले सकते हैं, किस तरह की मिट्टी में, किस तरह के गमले में लगा सकते हैं, वो सभी बातें आपसे इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्लांट है जिसको आप मार्च मंथ में या गर्मी के सीजन में कभी भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, ये बल्ब के थ्रू ग्रो होता है, तो इसको बोलते हैं रेन लिली। रेन लिली आपको बहुत सारे अलग अलग रंगों में मिल जाता है और इसके जो बल्ब हैं आपको ऑनलाइन सीड शॉप या नर्सरी से मिल जाते हैं। इसमें आपको कलर जैसे ये वाइट है, पिंक है, इसमें आपको पीला रंग भी मिल जाता है, इसमें और भी बहुत सारे कलर होते हैं। तो इसके बल्ब जो है ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, एक बल्ब आपको 5 या 10 रुपये का आसानी से मिल जाता है। आप 4-5 बल्ब स्टार्टिंग में लगा लीजिए तो फिर ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं, ज़्यादा बल्ब खरीदने की जरूरत नहीं होती है। और इनको वेल ड्रेन मिट्टी में ग्रो करना है जिसमें गार्डन सॉइल, रेत और खाद का इस्तेमाल करिए, थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर और सॉफ्ट मिट्टी में इनको लगाइए और अच्छे से पानी देके 4-5 घंटे की धूप में रख दीजिए। तो ये परमानेंट प्लांट होता है और बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई भी होते हैं, बार बार आपको इनको खरीदना भी नहीं पड़ेगा और पूरी गर्मियाँ फूल देंगे और हर सीज़न में आपके गार्डन में बने भी रहेंगे। नेक्स्ट प्लांट है अमेरिलिस लिली। अमेरिलिस लिली भी एक परमानेंट प्लांट होता है जो बल्ब के थ्रू ग्रो होता है और इसका जो फ्लावरिंग सीजन है वो मार्च एंड या अप्रैल में इसमें फूल आते हैं, मई में इसमें फूल आते हैं। इसमें रेड के अलावा और भी कलर होते हैं। ये भी जो है प्लांट आसानी से आपको नर्सरी पर बड़ा बनाया प्लांट भी हमारे जहाँ नर्सरी में ये मिल जाता है। जैसे मैं जम्मू से हूँ तो ये हमारे जहाँ जम्मू में ये प्लांट भी मिल जाता है। अगर आपको प्लांट ना मिले तो आप ऑनलाइन से इसके बल्ब ले सकते हैं। मैंने भी देखिए ये वाइट वाला और रेड वाले फूलों वाला है, ये मैंने अमेजोन से लिया था। तो अमेजोन पर भी इसके जो है आपको 5-6 बल्ब जो है 100 रुपये तक मिल जाते हैं। इसके भी बल्ब बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, प्लांट लेंगे तो आपको 50 रुपये तक प्लांट भी मिल जाता है। इसको भी इस तरीके की सॉफ्ट और वेल ड्रेन मिट्टी में ग्रो करना है और इसको भी 4-5 घंटे की ही धूप में रखना है, तो फिर ये इस तरीके से बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। और इसके भी जो बल्ब हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं तो बार बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपके पास पुराना प्लांट है तो इस समय आप अपने प्लांट को अच्छे से फर्टिलाइज़र दीजिए तो आने वाले टाइम में आपका जो प्लांट है अच्छे से आपको फ्लावरिंग भी देगा। तो मैंने देखी ये मेरे पास 2 गमले हैं इसके अमेरिलिस लिली के, तो आने वाले टाइम में इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। मेरे पास रेड और रेड वाइट कलर है, 2 कलर के मेरे पास अमेरिलिस लिली के प्लांट हैं, तो हर साल इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग भी होती है। नेक्स्ट प्लांट है देखिए फोटोवॉल लिली। तो फोटोवॉल लिली का जो प्लांट मेरा आप देख रहे हैं और इसमें हर साल इस तरीके से जो है फ्लावरिंग होती है। तो ये प्लांट मैंने अमेजोन से लिए थे, हमारे यहाँ नर्सरियों पर ये नहीं मिलता है, तो मैंने अमेजोन से इसके 3 बल्ब लिए थे और ये बल्ब मुझे मिले थे 100 रुपीज़ के। 3 या 4 बल्ब मुझे मिले थे, 15-20 रुपये का एक बल्ब मिला था। तो देखिए हर साल इस तरीके से इसमें फ्लावरिंग होती है। मैंने इसको 2 बल्ब देखिए इस तरीके से, जो ये 8 इंच का प्लास्टिक पॉट है इसमें मैंने इनको लगाया और देखिए मिट्टी जो है बिल्कुल सॉफ्ट और वेल ड्रेन है। इसमें गार्डन सॉइल, रेत और खाद का इस्तेमाल किया है, तो आप इसमें जो है बोन मील अगर आपके पास है तो वो भी डाल सकते हैं और फंगीसाइड पाउडर यूज़ जरूर करना है इनको। इसको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है, 2-3 घंटे की धूप में आप इसको रखिए, तो जब ये इसमें फूल इस तरीके से खिल जाएं फिर आप इसको छाया में रख दीजिए। तो ये भी परमानेंट प्लांट होता है, पूरा साल हमारे गार्डन में बना रहता है और इसमें जो है फूल खिलते हैं मई या जून के स्टार्टिंग में, मई के एंड में इस तरीके से इसमें फ्लावरिंग होती है और इसका फूल भी काफ़ी लंबे समय तक प्लांट पर बने रहते हैं। और जब इसमें फूल नहीं खिलते हैं तो इस तरीके से इसमें बहुत चौड़े चौड़े जो है पत्ते इस पे होते हैं प्लांट पे। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा परमानेंट फ्लावरिंग बल्ब है फुटवॉल लिली। देखिए ये है बहुत ही खूबसूरत से पत्तों वाला और फूलों वाला प्लांट जो बल्ब के थ्रू ग्रो होता है, और ये है कैला लिली। और इसमें भी आपको देखिए ये मैंने भी ये अमेजोन से ही लिए थे और मुझे 250 रुपये के मिले थे, 10-12 बल्ब मिले थे। तो वही है कि 20-30 रुपये का एक बल्ब आपको मिल जाता है और इस तरीके से इसमें फूल आते हैं। ये भी परमानेंट होते हैं और ये भी मल्टीप्लाई भी होते हैं, तो इनको भी आप इस समय अपने गार्डन में लगा सकते हैं, चाहे आप नर्सरी से लें चाहे आप ऑनलाइन लें। तो देखिए इसके पत्ते भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं, इसको भी आप
वेल ड्रेन मिट्टी में है लगाइए, जिसमें गार्डन सॉयल, रेत, खाद और थोड़ी सी कोकोपीट डाल लीजिए, और जो बोन मील है आपके पास तो उसको डाल लीजिए। और इसको भी बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखना है, 1-2 घंटे की ही धूप में रखना होता है। नेक्स्ट प्लांट है, देखिए काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के इसमें फूल खिलते हैं, और इस बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कलर में इसके जो फ्लावर हैं, फ्लावर बल्ब जो है हमें मिल जाते हैं। कभी आप अपने जो लोकल नर्सरी है वहाँ ट्राई करिए, जहाँ जो सीड शॉप होती है वहाँ ट्राई करिए। अगर ना मिले तो फिर आप अमेजोन से ले सकते हैं, और वहाँ तो ये मिल जाते हैं। मैंने भी देखिए वहीं से लिए थे, और मुझे 200-250 रुपये के 5 बल्ब मिले थे। ये थोड़े से कॉस्टली रहता है, और इनमें जो है बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। इसको भी बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है, 1-2 घंटे की धूप में रखिए, और वेल ड्रेन मिट्टी में लगाइए, जिसमें गार्डन सॉइल, रेत, खाद और थोड़ी सी कोकोपीट डालनी है, और बोन मील या नीम खली का इस्तेमाल और फंगीसाइड का इस्तेमाल करिए आप मिट्टी में, तो अच्छे से ये फ्लावरिंग करते हैं और परमानेंटली हमारे गार्डन में बने भी रहते हैं। नेक्स्ट प्लांट है देखिए, ये है क्लेडियम का। क्लेडियम का भी जो प्लांट होता है ये भी बल्ब के थ्रू ही ग्रो होता है, और इसके प्लांट भी कभी कभी नर्सरी पर मिल जाते हैं, और गर्मी के सीजन में इस तरीके से इसमें कलरफुल लीव्स आते हैं। वैसे ये इसके जो बल्ब हैं होते हैं, जब हमने इसको गमले में लगाया होता है तो ये बने रहते हैं गमले में भी, और जैसे ही इनका सीज़न आता है मार्च अप्रैल मंथ, तो इसमें स्प्राउटिंग होती है और इस तरीके से कलरफुल लीव्स निकलते हैं। और इसके भी बल्ब आपको मिल जाएंगे सीड शॉप पे, ऑनलाइन या नर्सरी पर। कभी कभी इसके प्लांट नर्सरी पर भी आसानी से मिल जाते हैं। इसमें देखिए इस तरीके से खूबसूरत पत्ते निकलते हैं। इसके अलावा इसमें और भी आपको बहुत सारे अलग अलग कलर जो है मिल जाते हैं। क्लेडियम में बहुत सारी डिफरेंट टाइप होती हैं, तो क्लेडियम भी बल्ब के थ्रू ग्रो होने वाला एक बहुत ही खूबसूरत सा समर फ्लावरिंग प्लांट होता है, जो परमानेंट होता है। तो ये है रजनीगंधा, बहुत ही खूबसूरत सा, ये भी बल्ब के थ्रू ग्रो होने वाला समर फ्लावरिंग प्लांट होता है, जो परमानेंट होता है। और इसके भी जो बल्ब हैं आपको बहुत ही कम प्राइस में 5 या 10 रुपये का एक बल्ब जो है मिल जाता है। इसके फूलों में बहुत ही अच्छी सी खुशबू होती है, और इसके जो फूल हैं इस तरीके से एक स्टिक निकलती है, उस पर बहुत सारी कलियाँ बनी होती हैं जो बारी बारी खिलती हैं, जो कभी डबल पेटल की होती है, कभी सिंगल पेटल की होती है, क्योंकि इसके जो बल्ब हैं सिंगल और डबल पेटल दोनों में मिलते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा समर फ्लावरिंग बल्ब वाला प्लांट है, जो इसके फूलों में बहुत ही अच्छी सी खुशबू होती है। तो इसके भी जो बल्ब हैं रेन लिली की तरह बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं, तो इसको बार बार आपको नहीं खरीदना पड़ेगा। एक बार खरीद लेंगे तो हमेशा आपके पास बना रहेगा और मल्टीप्लाई होता रहेगा। आप और गमले इसके तैयार कर सकते हैं। इसको भी मैंने जब लिया था तो मुझे 100 रुपीज़ के 15-20 या उससे भी ज़्यादा ही बल्ब मिले थे। तो मैंने देखिए इसको इस तरीके 12 इंच के गमले में लगाया हुआ है, तो बहुत ही अच्छे से इसमें फ्लावरिंग होती है। इसके बल्ब जो बड़े बड़े बल्ब होते हैं उनमें ही फ्लावरिंग होती है, छोटे बल्ब भी जब बड़े हो तब उनमें जो फ्लावरिंग है वो होती है। तो इस तरीके से आप इनको लगा सकते हैं। इनको भी वेल ड्रेन मिट्टी में ही लगाना होता है और 3-4 घंटे की धूप में रखना होता है, और अच्छे से फर्टिलाइज़र दे के इसे आप समर में फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जो बल्ब के थ्रू ग्रो होते हैं, जो मैं आपसे कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।